निश्चित ही मध्य प्रदेश में एक बार फिर शिवराज सिंह जी की सरकार बनेगी और सेंट्रल में मोदी जी की बनेगी। बोल रहे हैं बीजेपी आएगा, उन्होंने क्या काम किया? आप है? क्या कहलाना चाहती हैं ये बताओ हमको। नहीं, हम कुछ नहीं, हम सिर्फ माहौल जानना चाहते हैं। क्या नहीं किया है ये पूछो। कमलनाथ जी ने 3 महीने में 300 करोड़ पीए के अंदर पकड़ गया था। अरे कंपेयर क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो घोटालेबाज कौन कहलाया। 7 तारीख को भी पैसा आया है, आज किसान सम्मान निधि का पैसा आया है, कौन कहता है जुमलेबाजी। चुनाव के लिए सिर्फ 2 दिन का समय बाकी है और जनता के बीच चुनाव का क्या माहौल है वो जनता से ही जानेंगे। तो क्या लगता है कि इस बार फिर से कमल खिलेगा या फिर कमलनाथ आएंगे? नहीं नहीं नहीं, शिवराज मामा की सरकार बनेगी, लाड़ली बहना जो है लाड़ली बहने जो है वो सरकार बनाएंगी। और अभी मोदी जी ने किसानों के लिए 3100 रुपए धान का रेट खोल दिया, 2700 रुपए कुंटल गेहूँ का खोल दिया, तो किसानों की वोट भी अब मोदी जी को मिलेगी और निश्चित ही मध्य प्रदेश में एक बार फिर शिवराज सिंह जी की सरकार बनेगी और सेंट्रल में मोदी जी की बनेगी। इस बार जो शिवराज सिंह के चेहरे पर वोट चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? कोई जरूरी नहीं है। हाँ। ये संगठन फैसला करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ। चुनाव जो है कमल के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। अच्छा, तो आपका कहना ये है कि मामा जी आए चाहे नहीं लेकिन बीजेपी की सरकार जरूर आएगी। बीजेपी की सरकार बनेगी और शिवराज सिंह जी भी अपनी विधानसभा से चुनाव जीतेंगे। अब भविष्य में मुख्यमंत्री कौन बनता है ये संगठन तय करेगा, ये संगठन का काम। आपका क्या कहना है इस बात? बिल्कुल वही कहना है जो हमने बोल दिया। अच्छा, हाँ बिल्कुल पूरा समर्थन है, पूरा समर्थन है। ऐसा क्या काम किया है, ऐसा क्या किया है? काले वाली सरकार बोला जाता है बीजेपी को, बीजेपी को। हाँ, कमलनाथ जी ने 3 महीने में 300 करोड़ पीए के अंदर पकड़ गया था। अरे कंपेयर क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो घोटालेबाज कौन कहलाया। हाँ, अगर आपने अभी हाल ही में देखा जाए पटवारी घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला हुआ, वो सब स्टंट है उनके विरोधियों को छालने। व्यापम घोटाला हुआ है। हाँ। व्यापम घोटाला कांग्रेस के लोग चिल्ला रहे हैं और विपक्ष के लोग चिल्ला रहे हैं व्यापम घोटाले के लिए। व्यापम घोटाला इस सत्र में नहीं हुआ है, पिछले सत्र में हुआ है, ठीक है ना। 15 महीने सरकार रही कांग्रेस की, 15 महीने सरकार रही कांग्रेस की, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, उनने उनके कार्यकाल के दौरान व्यापम घोटाले में क्लीन चिट मिली है, डंपर घोटाले में क्लीन चिट मिली है। किस मुँह से कौन कह रहा है कि? अच्छा ये बताइए ना कि अभी जो शिवराज सिंह की सरकार आप बोल रहे हैं बीजेपी आएगा, उन्होंने क्या काम किया? आप है? क्या कहलाना चाहती हैं ये बताओ हमको। नहीं, हम कुछ नहीं, हम सिर्फ माहौल जानना चाहते हैं। क्या नहीं किया है ये पूछो। क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? जन्म से लेके मृत्यु तक का हिसाब कर दिया हमने। अच्छा, कुछ 3 बड़े काम गिना दीजिए जो प्रमुख रूप से बीजेपी सरकार द्वारा किए गए हैं। पहले तो ये लाडली बहना वाला है, दूसरा लाडली लक्ष्मी है, लड़कियों के लिए जो किया है, कन्याओं के लिए किया है, आयुष्मान योजना है, और कितने बड़े काम चाहिए। लोगों का कहना है आयुष्मान कार्ड का हमें लाभ ही नहीं मिल पा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, लाडली बहना योजना चुनाव से कुछ समय पहले जुमले के तौर पर शुरू की गई, ऐसा लोगों का कहना है। तो वो तो पहले फिर पैसा आया है, 7 तारीख को भी पैसा आया है, आज किसान सम्मान निधि का पैसा आया है, कौन कहता है जुमलेबाजी। क्या आपके यहाँ लोगों को? मैं सिर्फ लाडली बहना और किसान सम्मान निधि जुमलेबाजी है, मैं सिर्फ आपके मुंह से सुन रहा हूँ। आप क्या चाह रही हैं, जो आप चाह रही हैं वो बोल देते हैं। नहीं, हमने बहुत बहुत सर्वे किया, बहुत लोगों से जाना है, तो लोगों का कहना हम आपको बता रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हमसे पूछ लिया ना आपने। हाँ। हमने बता दिया ना। हाँ। आप जो बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं जुमला, उनसे पूछो कि उनकी महिलाओं को या उनकी माताओं बहनों को उनका लाडली बहना का पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपके घर पे मिल रहा है? मेरे घर में मिल रहा है। अच्छा, तो कितना पैसा आता है लाडली बहना में? 1250 रुपए आया है इस महीने, पिछले महीने भी 1250 रुपए आया था। हाँ, अच्छा, और जो राशन पानी फ्री मिल रहा है तो वो भी है क्या? हाँ, राशन पानी भी फ्री मिल रहा है। हाँ। और मोदी जी ने घोषणा की है अगर उनकी सरकार बनती है सेंट्रल में। हाँ। तो आगामी 5 साल फिर राशन पानी फ्री मिलेगा। अच्छा, गरीबों के लिए। तो आपको लगता है कि इस बार डंका बजा के बीजेपी आने वाली है? बिल्कुल, डंका बजा के नहीं, डंका बज गया। हाँ, बज गया। क्या लगता है? बज गया डंका, बज गया, बिल्कुल पिट गया ढोल।